ए चार्ज ऑफ 8 माइक्रो कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस के 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस वाया 069 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो प्रॉब्लम है क्या, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है इस तरीके का सवाल, और ऐसे 2-3 प्रॉब्लम डाले हैं मैंने इसके अंदर, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा प्रॉब्लम क्या है। देखो बेटा, इधर है मेरे पास में x और इधर है मेरे पास में y, सेंटर पे जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है 8 माइक्रो कूलम, सेंटर का मतलब ओरिजिन से है, ठीक है, ओरिजिन पे इतना चार्ज रखा है 8 माइक्रो कूलम लोकेटेड एट द ओरिजिन, ठीक है। हमने इतने चार्ज को उठाया माइनस के 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी वाले पॉइंट से, ये बताओ यहां क्या है, यहां क्या है, ये कितना है, x का कोऑर्डिनेट भी 0, y का कोऑर्डिनेट भी 0, z का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इस तरफ मैं z ही मान लेता हूं, और मैंने माना कि भाई यहां ये पॉइंट आपको दिया गया है बेटा P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 003 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरफ z मान लिया मैंने। अच्छा, यहां से उठाकर यहां लेकर गए, ठीक, ये क्या है, ये क्या है, y का कोऑर्डिनेट कितना है, इधर मान लिया मैंने y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कहीं भी मान सकते हो यार। इस पॉइंट का नाम है q, कोऑर्डिनेट है 040 सेंटीमीटर, ठीक है, वाया पॉइंट दिस, ये कहीं बीच में मान लेते हैं 069 सेंटीमीटर। देखो हमने एक चार्ज को यहां से उठाया, पहले यहां से उठाकर यहां लेकर गए, फिर यहां से उठाकर यहां लेकर गए, समझ में आ रही बात, तो उस चार्ज को यहां से उठाकर यहां लेकर जाने में और फिर यहां से यहां लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ेगा आपको यह बताना है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो वर्क है वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा हमारा, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर। इनिशियल पॉइंट का नाम बता दीजिए क्या है, पी, और फाइनल पॉइंट का नाम क्या है, क्यू। और मान लीजिए कि मैं क्यू चार्ज को उठाकर पहले यहां से यहां लेकर गया, फिर यहां से यहां लेकर आया, क्यू चार्ज को उठाया, उस क्यू की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस के 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से, वर्क, ठीक है, हमें वर्क कैलकुलेट करना है। पहले ये बताओ कि किस चार्ज को घुमा रहे हैं हम लोग, माइनस क्यू को, किसे घुमा रहे हैं, ये है मेरे पास में माइनस क्यू, समझ में आ रही बात, ओके। इनिशियल पॉइंट क्या है, पी, और फाइनल पॉइंट क्या है, समझ में आ रही बात आप लोगों को। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको लेना है, क्या लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है VP और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VQ, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है VQ माइनस के VP, ले लिया है VQ माइनस VP। अब आप ये देखो कि यहां जो पोटेंशियल बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा और कितना बनेगा। यहां पोटेंशियल बनेगा इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल बनेगा, जिसे मैं नाम देने वाला हूं VQ, 1/4πε0 की वैल्यू हो गई भैया, ये चार्ज की वैल्यू है 8 × 10 की पावर माइनस के 6, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है 4, वो भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 4 × 10 की पावर माइनस 2, करें कैलकुलेट क्या आंसर बनेगा जरा बताइए। इसको इससे डिवाइड किया कितना आया, 9 × 2 क्या बनेगा, 18, क्या बनेगा, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5, तो ये बनेगा 18 × 10 की पावर 5 वोल्ट, बन गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ VQ, ये VQ, Q वाले पॉइंट पर पोटेंशियल है ओरिजिन की वजह से। अब हम निकालते हैं P वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, यानी यहां कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल होने वाला है, इसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल होने वाला है हमें यह बताना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं VP, देखो VP कैसे निकालेंगे, 9 × 10 की पावर 9, ओके, चार्ज कितना है यहां पर, 8 माइक्रो कूलम,
और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है आपके पास में 3 सेंटीमीटर। सो 9 × 10⁻¹ 8 × 10⁻¹⁶ और सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया 3 × 10⁻², करके हम लोगों ने कैलकुलेट करी और देखिए क्या रिजल्ट आएगा, कितना बनेगा 24 × 10⁵ वोल्ट बन गया, 24 × 10⁵ वोल्ट। बेटा आप क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, बहुत इजी प्रॉब्लम बन गई। वीपी आपके पास में है, वीक्यू भी आपके पास में है और चार्ज की वैल्यू भी आपके पास में है, तीनों को उठाकर यहां पुट करिए, कैलकुलेट करिए, वर्क निकल जाएगा। क्या निकलेगा बताओ, समझ में आया या नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन करिए, एक और क्वेश्चन है इसके जैसा, वो भी हम करेंगे सॉल्व अभी। तो इन दोनों की वैल्यू को ऊपर पुट करके कैलकुलेट कर लो, पूरा आंसर पूरा कर लिया है, ठीक है? क्या आंसर बना बताओ, कितना 12 × 10⁴ जूल, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, हम देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अरे बात मत करिए, ध्यान दीजिए जरा, देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप क्या है। टू टाइनी स्पेयर्स कैरिंग अ चार्ज 1.5 μC एंड 2 μC आर लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है? हल्का सा आइडिया दे देते हैं और मेरे हिसाब से आप कर पाओगे इसे। और किया किसी ने, वैसे बनाया भाई किसी ने सवाल? ये देखो दो चार्ज हमें दिए हैं, प्लस 1.5 μC एंड 2 μC और इनके बीच की जो सेपरेशन है हमारे पास में वो है 30 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट पर बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कितना पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा सवाल तो हम पीछे बनाकर आ चुके हैं कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, हम सिर्फ यहां बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, ठीक है? तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल यहां पर होगा, मैंने उसे नाम दिया V1। इसकी वजह से एक पोटेंशियल यहां पर होगा, मैंने उसे कितना नाम दिया? सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1 + V2। पोटेंशियल कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि हम डायरेक्शन दिखाएंगे इसकी, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ये ऐड कर दिया हम लोगों ने। V1 कितना होने वाला है आप जरा जल्दी से बताइए, V1 कितना होने वाला है? V1 इसकी वजह से है तो कितना होगा V1? 9 × 10⁹ चार्ज कितना है ये बताइए, 1.5 × 10⁻¹⁶ और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बताइए कितनी है, ये 15 है, 15 सेंटीमीटर। सो 15 × 10⁻¹² लो बेटा ये निकल गई V1 की वैल्यू, निकल गई V1 की वैल्यू। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास में, V2 निकलेगी 9 × 10⁹
चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ और यहां से लेकर यहां तक की सेपरेशन अगेन 15 × 10⁻², और ये हो गया वोल्ट में। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा P पॉइंट पर। अब ये मत कहना कि ऐड भी करके दिखाओ सर, ऐड करूं? B पॉइंट देखिए इसका क्या है, एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। ठीक है, देखो इस बार ये तो हमारा A वाला पॉइंट हो गया भाई, पोटेंशियल निकालना है बीच वाले पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट पर देखो हमें पोटेंशियल कहां फाइंड आउट करना है, ध्यान से, ये जो B वाला पॉइंट है इसमें पोटेंशियल हमें कहां फाइंड आउट करना है बेटा? एक चार्ज कितना है जरा बताओ जल्दी से, 1.5 माइक्रोकुलम। दूसरा चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकुलम। यह है मिडिल पॉइंट। ठीक है, अच्छा उसने हमें कहा कि मिडिल पॉइंट से 10 सेंटीमीटर प्लेन में, यानी यहां इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही बात? पहले तो मिडिल पॉइंट पे करना था, इस बार मिडिल पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर उसी प्लेन में इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे हो? चलिए हम सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे इसकी वजह से। यहां ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये कितनी है? तो पाइथागोरस थ्योरम से बताओ ये डिस्टेंस निकलेगी या नहीं निकलेगी? और ये भी डिस्टेंस आपकी पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल है वो हमने कितना लेट किया, और इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल है वो हमने कितना लेट किया। सो पॉइंट पी पर अगेन टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा वही है जो मिड पॉइंट पर था, वही पॉइंट का फॉर्मूला ऊपर बन रहा है। बस इस बार V1 और V2 अलग अलग हो जाएगा। V1 कितना होगा आपके पास में जरा ये बताइए, V1 कितना होगा? V1 पोटेंशियल किसकी वजह से है मुझे बताइए, किसकी वजह से है V1 पोटेंशियल? इसकी वजह से है, 9 × 10⁹। चार्ज कितना है, 1.5 × 10⁻⁶ हो गया। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, ये हो गई 15, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया 10। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी ये बताइए, अंडर रूट 300, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁶ आ गया। अरे आ गया भाई, 325 का अंडर रूट कितना होगा, 18 ही होगा, 324 होता है ना 18 का, 18 ही ले लेना पूरा तुम, एक से क्या फर्क पड़ेगा, एक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 18 ले लेना इसकी जगह, कैलकुलेट करना, ये निकल जाएगा V1 आप लोगों का, क्या निकल जाएगा? इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकालो, 9 × 10⁹। चार्ज कितना है बेटा इस बार, 2 माइक्रोकुलम, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी, वही √325 18। समझ में आ रही बात? कैलकुलेट करोगे V2 निकल जाएगा, दोनों को ऐड करोगे टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। बताओ समझे या नहीं समझे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताऊंगा कैसे निकालना। क्लियर हो गया ना प्रियम? तुम्हारा डाउट था ये, पोटेंशियल नहीं निकल रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहा है? ठीक है, पीछे समझ में आया भाई तुम लोगों को? पूरा कंप्लीट आंसर सॉल्व करना इसका, ठीक है, इसे 18 लेकर तब सॉल्व करना। ओके, देखिए अब देखो भाई बात सुनो जरा, यहां जो चार्ज है अपने पास में वो है 1.5 माइक्रोकुलम, यहां चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, यह है मिडिल पॉइंट, ये डिस्टेंस है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। यहां हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको यहां से ज्वाइन किया। भाई बताओ जरा बच्चों ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है? चलिए अब आप देखो ध्यान से, जब इस पॉजिटिव की वजह से हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन जाएगी इधर, E1 जाएगी इधर, समझ रहे हो सभी लोग? ठीक है, ओके, ये कैसा है भाई, जब इस पॉजिटिव की वजह से इधर निकालेंगे तो डायरेक्शन जाएगी इधर E2, जल्दी से बताओ जाएगी या नहीं जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, हमने इनके बीच का एंगल लेट कर दिया है थीटा, कितना लेट कर दिया है, इनके बीच का एंगल हम लोगों ने ये थीटा मान लिया है। ठीक है,
तो अब आप मुझे ये बताइए, इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इधर कितना जा रहा है? देखो ऐसे है, इधर जा रहा है E2, इधर जा रहा है E1, और इनके बीच का एंगल कितना है? बेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1E2। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये हो गया हमारे पास में E1 स्क्वायर, ये क्या हो गया E2 स्क्वायर, ये कितना हुआ 2E1E2, और साथ में क्या है? अब अगर किसी तरीके से हमें E1 मिल जाए, ठीक है, E1 के साथ E2 मिल जाए और थीटा मिल जाए, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले हम E1 निकालते हैं, E1 निकालने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि भाई E1 कैसे निकालोगे। 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई है? अंडर रूट 325, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे भाई समझ आया या नहीं आया? ये निकल गई हमारे पास में E1 की वैल्यू। जल्दी बोलो, निकला या नहीं निकला? निकल गया E1। सिमिलरली क्या निकलेगा? E2। सिमिलरली बिल्कुल, बस क्या चेंज हो जाएगा? चार्ज 1.5 की जगह क्या आ जाएगा? 2। अब E1 भी है हमारे पास में। अरे बोलो यार, समझ में आ गई बात? E2 भी है हमारे पास में। हमें क्या चाहिए? थीटा। क्या चाहिए? अब देखो थीटा हम कैसे निकालेंगे। अगर ये थीटा है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा? पूरा एंगल, पूरा। अगर ये थीटा है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा? आधा एंगल कितना होगा? थीटा बाय टू। बता होगा या नहीं होगा? होगा ना थीटा बाय टू, समझ में आ रही बात? तो अब ये थीटा बाय टू कैसे निकलेगा हमारा? हमने इस थीटा बाय टू को मान लो, चलो साइन के साथ ले लेते हैं, साइन थीटा के साथ ले लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा का? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 15, और ये कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 18 है। ठीक है, तो हम लिख पाएंगे साइन थीटा बाय टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 15/18। क्या आंसर बनेगा बेटा? 5/6। बन गया 5/6। लेकिन हमें साइन थीटा बाय टू तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें तो कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए? साइन थीटा बाय टू थोड़ी चाहिए, हमें कॉस थीटा चाहिए। अब मैथमेटिक्स में कॉस थीटा का होता है एक फॉर्मूला, कॉस थीटा का बेटा एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा हो, 1-2 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू होता है ना। हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1-2 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, हल्का सा। मैथ्स वाले तो एकदम से समझ जाएंगे, खूब फॉर्मूला यूज करते हैं, करते हो ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत यूज होता है वाला फॉर्मूला। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1-2 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब देखो हम क्या लिखने वाले हैं, 1-2 ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। कितनी है साइन थीटा बाय टू की वैल्यू? स्क्वायर कर दें इसका, क्या बनेगा अपने पास में? 1-2 25/36। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या वैल्यू बनेगी जरा बताओ जल्दी से। माइनस के 14/36 यानी माइनस के 7/18 बनेगी ना, माइनस के 7/18। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो बेटा E1 की जगह तो रखोगे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है। E2 की जगह सेम वैल्यू आएगी, बस चार्ज चेंज हो जाएगा। E2 की जगह वो रखोगे, फिर E1 E2 की जगह वैल्यू रखोगे, और कॉस थीटा की जगह रखोगे माइनस के 7/18। सॉल्व करोगे तब जाकर आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। जल्दी से बताओ, समझ आया नहीं आया? एक तरीका और भी है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, कर नहीं पाओगे तुम उसे। तुम्हारे लिए यही तरीका ठीक है, और मेरे हिसाब से समझ भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लोगे ना। करो फटाफट जल्दी से। इन क्वेश्चंस को रिपीट करते रहना अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा मत करना कि बस पढ़ के जा रहे हो और फेंक दिया घर जाके,
रिपीट भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ रिपीट करते रहना अच्छे से बिल्कुल, और अगर पीछे के पोर्शन में कोई समस्या आ रही होगी तो वो भी मुझसे क्लियर करते रहना, ठीक है? अगर कोई दिक्कत लगेगी जो पीछे का पढ़ा दिया है आप लोगों को, वो भी अपना क्लियर कर लेना। टेस्ट की टाइमिंग हमने आपकी फिक्स कर दी है, दो स्लॉट रखे हैं आपके टेस्ट के, 9 से 12 और 3 से 6, ठीक है? अब जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, उसमें आप टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं। 9 से 12 एक स्लॉट है और 3 से 6 दूसरा स्लॉट है। सैटरडे में आप लोगों का टेस्ट है, कम से कम 10 मिनट पहले आना है आप लोगों को टेस्ट से, ठीक है? 9 बजे वाले टेस्ट में 8:50 और जो 3 बजे वाला है उसमें 2:50, ठीक? 3 घंटे का समय मिलेगा आपको पूरा, मिनिमम 2 घंटा आपको बैठना यहाँ कंपलसरी है। 2 घंटे में अगर आप पेपर कर लेते हैं तो उसके बाद आप जा सकते हैं फिर, ठीक है? बस एक चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर है वो? वो एक चैप्टर है। आधा साल हमने वही पढ़ा है। चलो ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है भाई, बस बातें मत करो, ये क्वेश्चन तो सबसे आखिर में बताऊंगा मैं आप लोगों को, काफी बड़ा सवाल है, बहुत कुछ लिखवाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है? चलिए आप यहां आइए, ये भी क्वेश्चन बच्चों बढ़िया है, आप ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम, ठीक है? देखो डायग्राम आपको दिया गया है और आप लोगों से पूछा है कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होने वाला है। दिख रहा है पी पॉइंट पर पोटेंशियल? यहाँ पी पॉइंट पर आप पोटेंशियल बताओगे, वैसे तो आसान है, कर भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। सबसे पहले ये बताओ कि पी पॉइंट के आसपास कितने चार्ज रखे हैं? 4 नहीं 3 मानो उन्हें। क्या मानो? 1 चार्ज ये हो गया प्लस क्यू, ये 2 चार्ज टच में है ना, इन दोनों को कंबाइन ले लो, कितना हो जाएगा? -2q-, और ये चार्ज कितना है? मुंह में जबान नहीं रही बेटे, कितनी है? प्लस क्यू। ये कितना है? प्लस क्यू। ये माइनस है, यहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू तो फिनिश हो जाएगा, -2q है बेटा, -2q, और ये कितना है? प्लस क्यू। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और यहां इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है कितना होगा, ठीक है? चलो सबसे पहले हम इसकी वजह से यहां पोटेंशियल बताते हैं कितना होगा, ठीक है? इसकी वजह से यहां पोटेंशियल देखते हैं कि कितना होने वाला है। ये a है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है r। बताओ भाई इसकी वजह से वहां कितना पोटेंशियल होगा? k, यानी 1/4π। चार्ज कितना है? q। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है? a। ये कितनी है? r। कितना हो गया? a प्लस r या r प्लस a, इक्वेशन नंबर 1। v2 बताओ कितना हुआ? k माइनस k 2q, ठीक है? और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r। समझ में आ रही है बात? नंबर 3 पर क्या है हमारे पास में? v3। इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा बताओ बेटा? ये डिस्टेंस कितनी है? ये कितनी है? ये कितनी बची? सो के क्यू अपॉन आर माइनस ए, इक्वेशन नंबर 3। जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया? जब पोटेंशियल निकालोगे तो चार्ज को साइन के साथ में लेना, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लो, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? हमें निकालना है पी वाले पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल, तो पी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल हमारा हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कॉमन क्या आएगा इनमें से, ये बताइए जल्दी से, कॉमन क्या आने वाला है? कॉमन आएगा k और q। यहां भी k q, यहां भी k और q, यहां भी k और q। यहां क्या बचेगा अपने पास में? 1/r + a -2/r, और यहां लास्ट में क्या बचेगा? 1/r - a। जल्दी से बताइए बचेगा या नहीं बचेगा? समझ में आ गई बात? तीनों को ऐड क्यों किया हमने? डायरेक्शन तो होती नहीं पोटेंशियल में मेरे भाई, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? हमेशा इसे ऐड करेंगे चाहे किसी भी पॉइंट पर निकालो आप। क्लियर हो रही बात? एलजेब्रिक सम को शो करता है, एलजेब्रिक सम को, ठीक है? चलिए एलसीएम ले लेते हैं इनका और देखते हैं एलसीएम लेकर क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास में। वीपी इज इक्वल टू के और क्यू, क्या एलसीएम बनेगा भाई? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा एलसीएम। आर
आर प्लस ए आर माइनस ए, आर प्लस ए यानी ए प्लस बी, आर माइनस ए यानी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा हमारे पास में आर आर माइनस ए। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं है? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां करेंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी के क्यू क्या बनेगा बेटा, जरा बताओ अंदर, आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस आर प्लस ए डिवाइडेड बाय आर आर स्क्वायर माइनस, कहां पर, अच्छा आर छोड़ दिया मैंने, और सॉरी आर छोड़ दिया, आर स्क्वायर प्लस ए आर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो देख लो ऊपर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई, आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर प्लस का है, टू आर स्क्वायर माइनस का है, फिनिश हो गया, ठीक है। ए आर माइनस का है, ए आर प्लस का है, फिनिश हो गया। क्या बचा अपने पास में, टू ए स्क्वायर, यहां क्या बचा है, आर आर स्क्वायर माइनस, और के को क्या लिख देना, वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन। करो फटाफट नोट। करो डिवाइडेड बाय टू। अरे हंसने की क्या बात है इसके अंदर, है? नहीं नहीं, माइनस कब बचता है, पहले आप ये देखो माइनस की कंडीशन हमारे पास में रहती क्या है, माइनस क्यू और माइनस क्यू टच में रहने के बाद की कंडीशन है। अगर ऐसा होता ना कि माइनस क्यू पहले होता अलग से, माइनस क्यू अलग से होता हमारे पास में, ठीक है, हम दोनों को टच कराते और फिर अलग से रख देते, वो सिचुएशन तब है। यहां क्या है कि एक पर माइनस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू, और दोनों ऑलरेडी टच में है, समझ में आ रही बात, तो उन पर पहले से माइनस क्यू मौजूद है, तो टोटल चार्ज कितना हो, हम उन्हें सेपरेट नहीं कर रहे हैं, वो कंबाइन ही रहेंगे दोनों के दोनों, तो टोटल चार्ज हो गया हमारे पास में माइनस टू, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये बताओ कि के को क्या लिखोगे यहां पर, वन अपॉन फोर पाई, ओके ये क्या है अपने पास में क्यू, और ये क्या है टू ए स्क्वायर, है ना टू ए स्क्वायर, समझ में आ रही बात। अगर आप इसे डाइपोल मोमेंट के टर्म में बदलना चाहते हैं तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में इसे कैसे बदल सकते हैं, आप देखो एक किनारे पर कितना चार्ज है, एक किनारे पर कितना चार्ज है, इनके बीच का गैप कितना है ए, एक किनारे पर प्लस क्यू, एक किनारे पर माइनस क्यू, और इनके बीच का गैप है ए। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है दोनों चार्ज में से एक चार्ज और मल्टीप्लाई बाय इनके बीच का गैप, यानी क्यू इंटू ए को हम पी लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, तो वहां भी हम क्यू इंटू ए को पी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले नोट कर लो फिर मैं आगे बताता हूं कैसे करना है। ये समझ में आ गया ना यहां तक कैसे किया, जहां प्रॉब्लम होगी ना पूछ लेना मुझसे, अगर कोई दिक्कत होगी, कोई चीज समझ नहीं आई होगी। पोटेंशियल एट पॉइंट पी के क्यू क्या बचा हमारे पास में, टू ए स्क्वायर अपॉन में क्या है, आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। तो हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे वीपी इज इक्वल टू के को हमने क्या लिख दिया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा ये क्यू है, ये कितना है टू ए स्क्वायर, हमने इसे लिख दिया ए इंटू टू ए। अब बहुत सारे बच्चों को ना रटा हुआ है कि क्यू इंटू टू ए को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ऐसा नहीं है, टू ए तो हम तब है जब उनके बीच में हम सेंटर पॉइंट मानकर चलते हैं। डाइपोल मोमेंट का जनरल फॉर्मूला क्या है, दोनों चार्ज में से एक चार्ज और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दोनों चार्ज में से एक चार्ज क्यू उठाया और इनके बीच का गैप कितना है ए हमारे पास में, सो क्यू इंटू ए को हम पी का नाम देंगे, किसका नाम देंगे, अच्छा ये क्या है हमारे पास में आर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो उसने कह रखा है कि आर ए से काफी बड़ा है, आर जो है वो ए से बहुत बड़ा है, आर अपॉन ए इज ग्रेटर देन ऑफ वन का मतलब है अगर ए को उधर ले जाए तो आर ए से बहुत बड़ा है, अगर आर ए से बड़ा है तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से तो बहुत ही बड़ा होगा, तो ए स्क्वायर को वहां से नेग्लिजिबल कर देंगे, क्या कर देंगे
अगर ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल करेंगे, ए को नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात। जब ए स्क्वायर को हम यहां से हटाएंगे तो आर इंटू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास में, आर टू दी पावर थ्री। अरे आया समझ में। और क्यू इंटू ए क्या बन जाएगा, पी, क्या बन जाएगा, सो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी ए अपॉन आर टू दी पावर थ्री। ये हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात। ठीक है, बोलो भाई बच्चों, क्लियर हो गया सभी लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, बस बातें कम करो और ध्यान से देखो आगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से करें अपने आप, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, चार्ज आपको दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0qr, चार्ज भी है r भी है, वैल्यू पुट करो पोटेंशियल निकल जाएगा। बी पार्ट में क्या दे रखा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 2×10⁻¹⁹ फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी। Does the answer depend on the path along with the charge or brought? देखो बेटा क्या है, आपने ऊपर वाले पार्ट में P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दिया। कितना निकाला आपने ऊपर वाले पार्ट में P पॉइंट पर पोटेंशियल? P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आया, 1/4πε0qr। आया सभी को समझ में? ये दे रखा है हमें Q चार्ज और यहां से R डिस्टेंस पर क्या है, P। तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा, Vp इज इक्वल टू 1/4πε0qr, होगा ना। आप लोगों को यह कहा कि इनफाइनाइट है, यहां से बहुत दूर, ये रहा इनफाइनाइट, यहां से हमने q डैश चार्ज को उठाया, किसे उठाया, समझ में आ रही बात, और वहां से उठाकर पॉइंट p पर लाकर रख दिया, यहां से उठाकर p पर लाकर रख दिया। तो बताओ Q डैश को इनफाइनाइट से उठाकर P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बहुत आसान है यार, बहुत आसान, कुछ करना ही नहीं है। ये बताओ स्टार्टिंग में वर्क W1, बताओ स्टार्टिंग में Q डैश कहां रखा है, तो वर्क होगा Q डैश V इनफाइनाइट। समझ में आ रही बात, क्लियर है बात। फाइनल पॉइंट पर हमने Q डैश को लाकर कहां रख दिया है, P पर, तो वर्क होगा Q डैश VP, क्लियर। टोटल वर्क की वैल्यू क्या होगी, W1 प्लस W2। W1 कितना है आपके पास में, Q डैश V इनफाइनाइट, और W2 कितना है, Q डैश VP। ठीक है, इनफाइनाइट का पोटेंशियल होता है जीरो, कितना होता है, तो ये टर्म बन गया आपका जीरो, क्या बन गया, अब बताओ Q डैश आपको दे रखा है या नहीं दे रखा है। ये वाला चार्ज है Q डैश, ये चार्ज आपके पास में Q डैश है। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या। और पॉइंट पी पर पोटेंशियल कहां से निकलेगा, वो यहां से निकलेगा, इसमें ये जो क्यू दिखाई दे रहा है वो ये वाला चार्ज है। ठीक है, तो वीपी तो तुमने पहले ही निकाल दिया था, वीपी को उठाकर यहां रखो, क्यू डैश की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करो, क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। आ गया समझ में, ओके। बातें कम करो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, वो भी लगा सकते, वही है तो सर, कंडीशन वही है। अगर ऊपर रखेंगे तो 1/4πε0qr ही बन जाएगा वो, ठीक है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की जो डेरिवेशन आती है वो इसी कॉन्सेप्ट से आती है कि पहले आपको इनफाइनाइट पर वर्क देखना है कितना है, फिर आपने जिस पॉइंट पर उसे लाकर रखा है वहां देखना है वर्क कितना है, दोनों का जो सम होगा वही हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, हो गया शिवांक, पीछे क्या नाम इसका लड़के का, हो गया। ठीक है बेटा, सॉल्व जरूर करिएगा इसे,
पूरा कैलकुलेट जरूर करिएगा, बिना कैलकुलेशन के बेकार है फिर। चलो ठीक है, क्या है प्रॉब्लम पहले आप लोग देखिए ध्यान से। हमें स्क्वायर दिया है, चारों कॉर्नर पर चार्ज आपको गिवन दे रखे हैं, यहां कितना है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इनके बीच की सेपरेशन यानी एक साइड आपको क्या दे रखी है डी, कितनी दे रखी है डी। समझ में आ रही बात? क्या पूछा है हम लोगों से, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टूगेदर दिस अरेंजमेंट। ठीक है, सबको एक साथ रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बढ़िया सवाल है और बहुत फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यह है कि जो सिस्टम आपको दे रखा है ना उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, वही आपके वर्क के इक्वल होगी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, वही किसके इक्वल होगी, वही हमारी वर्क के इक्वल होगी। ठीक है, अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, पहले आप ये समझ लो बेटा, अगर एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है और इनके बीच का गैप है आर, तो ये बताओ अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे? अरे करेंगे या नहीं करेंगे? जब दो चार्ज के बीच में फोर्स काम करता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, फोर्स की वजह से वहां एक एनर्जी एग्जिस्ट कर जाती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जहां भी दो चार्ज के बीच में फोर्स काम करेगा ना, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है 1/4πε0। एक चार्ज कितना है Q1, दूसरा चार्ज कितना है और इनके बीच का गैप है R, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास में। समझ में आ रही बात? अब हमें बताना है कि भाई ये जो फिगर बना हुआ है आपके सामने, इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं कि कितनी होगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसा चार्ज है भाई, ये कैसा है बताओ, दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा या नहीं करेगा? तो इनके बीच में एनर्जी एग्जिस्ट कर गई और उस एनर्जी को मैंने नाम दिया U1। कितना नाम दिया, जल्दी से बताओ, समझ में आ गई बात? इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा, यस और नो? ये चार्ज कैसा है, ये कैसा है, इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, उसे मैंने नाम दे दिया है U2। क्या नाम दिया है, क्लियर? एक फोर्स काम करेगा इनके बीच में, जल्दी बताओ कितना काम करेगा, एक इनके बीच में काम करेगा, एक इनके बीच में काम करेगा, एक इनके बीच में काम करेगा, बताओ, समझ में आ नहीं आया? कितने पेयर बन रहे हैं, छह पेयर बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, चार फोर्स तो ऐसे काम करेंगे, एक ऐसे काम करेगा, एक ऐसे काम करेगा। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गई 4 times of U' + 2 times of U". बता सकते हो ऐसा क्यों लिखा मैंने, चार एक जैसे हैं बिल्कुल, चार जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, चार्जेस भी सेम है, प्लस माइनस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एक जैसे है नहीं है, तो मैंने लिख दिया 4 × एक सिस्टम की एनर्जी 4U' और दो एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला, तो मैंने क्या लिख दिया 2U". आगे समझ में क्या हुआ भाई आदित्य, मोबाइल वोबाइल का यूज कर रहा है क्या तू? सच में U' बताओ कितना होगा, पार्थ तुम बताओ U' कितना होगा, तुम सुन रहे थे मेरी बात, क्या होता है U' क्या है वो, हम लोग यहां इकट्ठा क्यों हुए हैं, भाषण देने के लिए, किसी और चीज को सुनने के लिए और पढ़ने के लिए? तुम सुन रहे थे मेरी बात, सुन रहे थे? बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। U' का मतलब क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, K Q1 Q2 / उनके बीच का गैप। ठीक है, समझ में आ रही बात, K प्लस Q की मल्टीप्लाई माइनस Q में करोगे, आया समझ में, इनके बीच का गैप कितना है, तो यहां आ गया डी। बेटा ये एनर्जी होगी 4 charges की, 4 charge की एनर्जी इतनी है, जल्दी बोलो, दो की एनर्जी कितनी होगी 2, ये कितना है, ये कितना है Q into Q
और इनके बीच की डिस्टेंस अंडर रूट टू। कैसे आया अंडर रूट टू डी? ये डी है, ये भी क्या है, ये कितना हो जाएगा? आ गया समझ में? ये हमारे पास में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गई, और इतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसी को आप वर्क बोल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, K को रिप्लेस करना है किससे? 1/4πε0 से हो जाएगा। करिए नोट डाउन, सेकंड पार्ट बताते हैं फिर आपको। माइनस का मतलब है अट्रैक्शन हो रहा है, और प्लस का मतलब है रिपल्शन हो रहा है। फाइनल आंसर माइनस में आएगा तो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो बी पार्ट। अब आप देखो इसका क्या है। बी पार्ट ये है, हमने इस स्क्वायर के सेंटर पर लाकर यहां इस पॉइंट पर, क्या नाम है इस पॉइंट का, कितना चार्ज रखा, कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। बहुत आसान, हम मान लेते हैं कि पहले ये क्यू नॉट इनफाइनाइट पर था। पहले ये क्यू नॉट कहां था? जब ये इनफाइनाइट पर था तो उस समय हमें कितना वर्क करना पड़ा? क्यू नॉट वी इनफाइनाइट आंसर। आगे समझ में? फिर हमने इस क्यू नॉट को यहां से उठाकर यहां उठा के रख दिया। कौन से पॉइंट पर रखा है क्यू नॉट? ई पर। कहां रखा है? कितना वर्क करना पड़ेगा? क्यू नॉट पोटेंशियल ऑफ ई। नहीं आया समझ में? पक्का? हमने बाहर से उठाकर सेंटर पे रख दिया, अब इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो ई वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। किस किस की वजह से होगा ई पर पोटेंशियल? एक तो इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा। अरे होगा या नहीं होगा? जितना पोटेंशियल इसकी वजह से, उतना ही पोटेंशियल इसकी वजह से, उतना ही इसकी वजह से, उतना ही इसकी वजह से। दो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं। बताओ कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर देंगे? डायरेक्शन नहीं होती, वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे। क्योंकि इसकी वजह से जितना पॉजिटिव बनेगा, इसकी वजह से उतना ही नेगेटिव बनेगा, तो वो प्लस वाली वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगी। इसकी वजह से जितना नेगेटिव बनेगा, इसकी वजह से उतना ही पॉजिटिव बनेगा। तो ई पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होने वाला है? जीरो। अगर ई पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो होने वाला है तो डब्ल्यू टू कितना जाएगा? डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू। सो एक्स्ट्रा वर्क डन कितना हो गया? कोई एक्स्ट्रा वर्क डन हमें करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में सभी लोगों को? ठीक है, पहले इनफाइनाइट पर हमने उसे मान लिया, फिर इनफाइनाइट से उठाकर हमने उसे ई पॉइंट पर रख दिया है बच्चों। ठीक है, हो गया। देखो बेटा,
काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको ध्यान से प्रॉब्लम को समझना है कि क्या हम करेंगे प्रॉब्लम के अंदर। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दे रखा है, एक्स की डायरेक्शन में है, और कौन सा पॉइंट इस डायरेक्शन में सबसे पीछे है, कौन सा है, तो इस पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। फिर कौन है, फिर किस पर होगा सबसे ज्यादा पोटेंशियल, किस पर है, एस पर। फिर किस पर है, फिर किस पर है, फिर किस पर है, बताओ। पहले ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कंडीशन है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा उसने, ये कहा कि हमें पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट, ए बी जीरो, टू ए जीरो जीरो, ए माइनस बी जीरो, जीरो 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 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द, लेकिन उसने ये नहीं कहा कहां से कहां तक लेकर जाना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कहां से कहां लेकर जाना है। हम मान लेते हैं बात हो रही है कि एस से लेकर पी तक जाना है, एस से लेकर कहां तक जाना है, शायद क्वेश्चन कट गया होगा, ऐसा हो सकता है कि इसके नीचे बी पार्ट दे रखा और कट गया हो वहां से, यहां से लेकर, या उसने दे रखा एरो का साइन बना रखा है ना, बना रखा है ना एरो का साइन। तो हम मान लेते हैं कि पी से लेकर कहां तक जाना है, एस तक। तो बेटा ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन में है। तो बेटा आपको एक्स ही कोऑर्डिनेट लेना है, बस कुछ और नहीं लेना। वर्क निकालने का जो फॉर्मूला है ना हमारा, समझिएगा ध्यान से, वर्क निकालने का जो फॉर्मूला है हम लोगों का, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस, पहले हमें पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, और वर्क निकालने का फॉर्मूला है क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है। ये पहले डेल्टा वी निकालो, फिर डेल्टा वी को उठाकर यहां पुट कर दो, हमारा वर्क निकल जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पर जा रहे हो, पी से कहां जा रहे हो, तो पी वाले पॉइंट पर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, ए, कितना है, और एस वाले पॉइंट पर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, समझ में आई बात। हमेशा फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट माइनस करना है, इनिशियल कौन सा है, जल्दी बोलो, फाइनल कौन सा है, जीरो में से ए को माइनस करोगे, माइनस ए, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और ये हो गया माइनस ए। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, माइनस, वर्क निकालना है तुम लोगों को, सो वर्क माइनस क्यू ई ए, जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया। अच्छा मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता कि तुम पी से आर तक जा रहे हो, पी से कहां तक जा रहे हो, तो पहले तुम डेल्टा वी निकालोगे, डेल्टा वी इलेक्ट्रिक फील्ड, पी से आर तक जा रहे हो, सबसे पहले चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तुम्हें वही कोऑर्डिनेट लेना है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक्स की डायरेक्शन में है, तो तुम्हें एक्स ही कोऑर्डिनेट लेना है बिल्कुल। पी से आर जा रहे हैं, आर हो गया फाइनल पॉइंट, पी हो गया इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, R में से P माइनस करो, बताओ R कौन सा है, ये है ना, यहां कितना है, जल्दी बोलो, और यहां कितना है, A माइनस है, जीरो आ गया, जीरो, यहां जीरो रखेंगे तो बताओ डेल्टा V कितना आएगा, वर्क कितना आएगा, जल्दी बताओ, समझे नहीं समझे, आ गया समझ में। मान लो हम P से Q जा रहे हैं, P से कहां जा रहे हैं, P से Q, तो इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो सिर्फ आप लोगों को इन दोनों पॉइंट में एक्स का कोऑर्डिनेट ही लेना है। पी हो गया इनिशियल, क्यू हो गया फाइनल, क्यू पर एक्स का कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, 2a, और पी पर कितना है, तो 2a में से a माइनस करेंगे, a, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, चार्ज कितना है, ये बन गया वर्क डन, ए ई क्यू, ठीक है, जल्दी बताओ, समझे नहीं समझे, समझ गए हो, लिख लो। तो आ जाने, तो क्या हो गया, वर्क नेगेटिव नहीं हो सकता, वह बुद्धिमान लड़के, वर्क नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, वर्क नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है वर्क नेगेटिव यार,
वर्क एनर्जी तो है, एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी है वो। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वर्क बिल्कुल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव ही तो होता है। ठीक है बच्चों, तो कल करेंगे बाकी बात हम लोग, जितना पढ़ाया है सब पढ़ के आना अच्छे से बिल्कुल।